भाई वो मछली का ऑर्डर करने के बाद हम आए हैं मशहूर शीरी दादा कबाबी पे। शीरी दादा ये सलामकुम दादाजी, कैसे हैं आप? आप दिखने में तो दादा नहीं लग रहे। कराची नल्ली बिरयानी चिकन चिकन की नल्ली है क्या? होता है यहाँ पर। मैं तो यही इंजॉय करता हूँ भाई, सही बात है। जब ट्रैवलिंग पे निकलता हूँ ना, ये गली कूचों के अंदर, पुराने इलाकों में, अंदरून में, ये माहौल की बात अलग है भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़िया तबारक और मैं मौजूद हूँ भाई पेशावर घंटा घर पे। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त घंटे घर चौक हमारे पीछे नज़र आ रहा है, पेशावर की पहचान। और ये जो जगह है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे दिन में तो दुकानें होती हैं, लेकिन रात में ये एक फूड स्ट्रीट बन जाती है, क्योंकि जब दुकानें बंद हो जाती हैं वहाँ पर भी लोग बैठ के खाना पीना खा रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी स्ट्रीट फूड है यहाँ पर, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ज़रा घंटा घर चौक के अतराफ़ में घूमते हैं और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो फिर चलें। फिश बन रही है यहाँ पे, क्या हाल है भाई? ठीक है। कौन कौन सी मछली है ये? ये रोहू है जी। रोहू है जी। ओके। माशेर पड़ा है। माशेर क्या हिसाब है? माशेर तो बड़ी फ्रेश लग रही है। ये 450 का है। 450 रुपये किलो मछलियाँ बन रही हैं, मछलियाँ निकल रही हैं। अच्छा, ये जो चौक घंटा घर है ना, ये समझिए आप मछली की भी एक मेन मार्केट है। यहाँ से लोग कच्ची मछली भी लेके जाते हैं और यहाँ पे आपको फ्राइड मछली, पकी हुई मछली भी मिलती है। तो मछली की एक समझिए बड़ी मार्केट है ये चौक घंटा घर के ऊपर। इसलिए आप देखें अतराफ़ में, यहाँ पे हर तरफ जो है ना वो मछली की काफ़ी सारी दुकानें हैं और बड़ी ज़बरदस्त ताज़ा मछली यहाँ पर मिल रही है। क्या हाल है भाई? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। झींगे नहीं होते यार? झींगे झींगे नहीं आते ना, सारी पाम का दरिया का मछली है, समुद्र में नहीं आती मछली। झींगे तो उसमें होता है ना? हाँ, समंदर में, समंदर में होता है। ओए ओए, ये तो डोरी भी लगी हुई है इसके अंदर। मली है। मली मली मछली छीलना भी एक आर्ट है। ये देखो भाई, ये मछली फ्राई हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में चिकन भी है भाई। और ये पंखा देखें क्या ज़बरदस्त बना है इन्होंने, ताकि मक्खियाँ नहीं आए। पंखा ज़बरदस्त बना है भाई जान, बहुत ज़बरदस्त यार। क्या पंखा बना है यार, एंटीक है ना ये? एंटीक है। वाह भाई वाह, ये मछली फ्राई हो रही है भाई। क्या हिसाब है मछली? मछली किलो 700 रुपये, 650 रुपये। कौन सी वाली? हमें भी मौका दे, खिदमत का आए हैं पेशावर, आपका चैनल रोजाना भी देख के उठाऊं। और सुनाएं कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई। ये जो क्लॉक टावर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं। इसका नाम है इस क्लॉक टावर का सर कनिंगम क्लॉक टावर। और ये सर कनिंगम ने जो है ना वो बनाया था सन 1900 में, मलका विक्टोरिया की गोल्डन जूबली को कमेमोरेट करने के लिए जो है ना ये टावर बनाया गया था। और इसकी फंडिंग की थी बाल मुकुंद फैमिली ने, जो कि 1947 में हिजरत करके चली गई अमृतसर, और वहाँ पे अब उनका एक फूड ब्रांड है क्लॉक टावर के नाम से, जिसमें वो पिकल्स, अचार, जली वगैरह इस टाइप की चीज़ें वो बनाते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस क्लॉक टावर की, और देखें कहाँ तक हिस्ट्री जा रही है हमारी। ज़बरदस्त ये मछली घर बना हुआ है भाई, यहाँ पर भी मछली बन रही है। मछली पर बहुत ज़्यादा जोर है भाई, मसाला लगी हुई, ज़बरदस्त मछलियाँ यहाँ पर ये फ्राई हो रही है भाई। ये देखें आप कैसे हैं भाई? ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? सैफुल्ला। सैफुल्ला भाई, कौन सी मछली सबसे अच्छी टेस्ट में? हमारे साथ तो जी ये रोहू जबरदस्त है। रोहू में कांटे ज्यादा होते हैं। और मली बगैर कांटे, फिर बगैर कांटे वाली जी जी, वो भी अच्छी है, वो जबरदस्त जी। वो तो हम 600 रुपये किलो बेचते हैं। आधा किलो लगा दे। ठीक है, कोई ठीक है। मछली आ गई है भाई हमारी, और ये मछली का नाम है मली, और ये एक कांटा होता है इसके अंदर। ये हमने मंगाई है आधे किलो में, एक साइड पूरी हाफ मछली आई है, इधर से जो है ये पीस हुआ हुआ है, और इधर से ये स्किन के साथ है मछली। तो भाई टेस्ट करते हैं, बड़ी क्रिस्पी टेक्सचर का लग रहा है, साथ में इन्होंने ये एक चटनी जो है ना ये दी हुई है। तो ये सीन है, टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही गर्म हो रही है, भाप निकल रही है।
चटनी में थोड़ा डुबाएं इसको। मज़ेदार है, काफ़ी क्रिस्पी है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। मछली का टेस्ट भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी फ्रेश मछली है। जो चटनी में डुबा के हमने खाई है तो चटनी थोड़ी सी जो है ना, जैसे खटास होती है चटनी के अंदर, वो इसके अंदर सिरका सिरके वाली चटनी है। हल्का सा टमाटर भी इस चटनी के अंदर है। बगैर चटनी के ज़रा ट्राई करके देखते हैं। अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार बहुत भाव ज़बरदस्त, बहुत ही आला अच्छी मछली है। फ्राइड मछली है, मसाले वाली, गरम गरम फ्रेश आई है। भूख लग रही है आपको, आप ये मछली खाएं और मज़े उड़ाएं। ज़बरदस्त रहमुल्ला भाई जी, खुदा करना, थैंक यू। क्या हाल है भाई, ठीक है आप? खैरियत? कराची नल्ली बिरयानी, चिकन चिकन की नल्ली है क्या? चिकन बिरयानी। क्या है बिरयानी, दिखाओ बिरयानी उस पतीले दिखाओ भाई, देखे जरा बिरयानी। ये तो खाली है, खाली हो गया है। चिकन विकन खत्म है? हाँ खत्म है। और नल्ली ऐसे होता है? नहीं होता है, होता है यहाँ पर। अभी चिकन बिरयानी में नल्ली डाल के देते हो? ना, बीफ के साथ डालते हैं। अच्छा अच्छा, बीफ के साथ। चिकन खत्म हो गया अभी खत्म, बस ये एंड है। आप कराची से? अरे भाई यार, आप क्या घूमने आए? नहीं यार, बस यहाँ पे काम के सिलसिले में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सारे कराची वाले देखो नल्ली बिरयानी देख कर आ रहे हैं यहाँ पे। ये एंड है, बस सादा चावल बाकी है बस। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, ठीक ठाक है। बना ले आप, शुक्रिया। भाई मछली घर से हम फिश खा के यहाँ पे आए, तो बिल्कुल घंटा घर के पीछे यहाँ पे जो है ना एक छोटी सी दुकान बनी हुई है, और यहाँ की फिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे भी रश था, लेकिन यहाँ पे तो आप देखें लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक बाबा जी बैठते हैं, इनके दो बेटे भी हैं माशाल्लाह। वो एक तवे के ऊपर फिश बना रहे होते हैं, और उसका टेक्स्चर जो है ना बनने में भी बिल्कुल अलग ही नज़र आ रहा है। तो हमने इस फिश का भी ऑर्डर दे दिया है, इसमें हमें लगेगा तकरीबन आधा घंटा बनने में। जब तक हम आगे जाते हैं और कुछ और चीज़ें वो एक्सप्लोर करते हैं, जब तक हमारी ये वाली फिश तैयार हो रही है। भाई वो मछली का ऑर्डर करने के बाद हम आए हैं मशहूर शीरी दादा कबाबी पे। दादा कौन है? शीरी दादा ये। सलामुअलैकुम दादा जी, कैसे हैं आप? आप दिखने में तो दादा नहीं लग रहे। शीरी दादा कबाबी के पास क्या है कि भाई ये कबाब पे सीखें भी लगती हैं बारबेक्यू, और इनकी कढ़ाई भी बनती है। तो हमने कुछ सीखें, क्योंकि एंड एंड चल रहा है अभी यहाँ पे, तो हमने चार पांच सीखें जो है ना वो बारबेक्यू कराई हैं, और उन्हीं सीख कबाब बनने के बाद उनकी कढ़ाई बनाई जाएगी। तो ये एक ज़बरदस्त आइटम है, इसको हम टेस्ट करते हैं, और इतनी देर में हमारी वो फिश भी तैयार हो जाएगी। क्या बात है। शीरी दादा आप हैं, आपके नाम पे ये कबाब है? हाँ जी। तो ये कितनी पुरानी दुकान है ये? 50 साल। 50 साल? 50 साल। जब से ये कबाब और कढ़ाई बन रही है? सब कुछ, कबाब, टिक्के, केमा, मुर्गी। अच्छा, सब कुछ। अभी तो एंड एंड का टाइम है, 10 बजे खत्म, सब खत्म, एकदम खत्म। कितने शुरू करते हैं? 12 बजे। 12 बजे? 12 बजे। आपका नाम शीरी है? उसका नाम शीरी। दादा क्या मतलब? दादा, दादा सर उस्ताद है, इसका नाम दादा है। अच्छा अच्छा, उस्ताद का नाम दादा था? दादा है, मर गया। ओके, तो आपने अपने नाम के साथ उसको जोड़ लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त। ये आ गया भाई, दादा आ गया भाई। ये आ गई भाई कढ़ाई, साथ में ये दो रायते की प्यालियाँ भी आई हैं। बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर लोकल सेटअप है ये, बिल्कुल घंटा घर के पीछे। सज्जाद भाई, जब भी पेशावर आता हूँ सज्जाद भाई तो हमारे साथ होते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देखिए भाई, ये सीख, ये बड़ी मसाले वाली सीख लग रही है सज्जाद भाई, बिस्मिल्लाह करें। ये एक होती है अफगानी बोटी ना, वो होती है नमकीन स्टाइल की, ये जो है ना मसाले वाली सीख है, बिस्मिल्लाह। ओहो भाई ने रिकमेंड किया है कि ये जगह जो है ना आपने लाजमी ट्राई करना है, बहुत मसाले वाली बोटियाँ हैं। स्पाइसी मसाला नहीं है, लेकिन लजीज एक जो है ना, जायकेदार जायकेदार। और इन्हीं मसाले वाली बोटियों को इन्होंने कढ़ाई में
कढ़ाई के स्टाइल से बनाया है, तो ये तो फिर सोने पे सुहागा हो गया है। बिल्कुल। ये देखिए भाई, अब ये क्या कहते हैं इसको? लवाश। लवाश ये होता है बड़ा क्रिस्पी नान, जो है ना कड़क। और ये हम खाएंगे इस कबाब कढ़ाई से। ये देखो, टमाटर, हरी मिर्चें, इनके अपने मसाले, और ये बूटी की सीख। कढ़ाई टेस्ट करते हैं भाई। ओहो भाई, बहुत ही आला नफल की कढ़ाई है, बिल्कुल डिफरेंट। गोश्त बिल्कुल टेंडर। उसकी वजह ये है कि पहले कबाब बने हैं, उसके बाद फिर कढ़ाई बनी है, यानी खाली गोश्त की कढ़ाई नहीं है ये, एक डिफरेंट चीज़ है। ऐसी कबाब की कढ़ाई मैंने इससे पहले गुजरांवाला में खाई थी, वो भी बहुत मज़ेदार थी, लेकिन वो डिफरेंट, उनके मसाले डिफरेंट थे। ये ज़रा पेशावरी स्टाइल के टमाटर वाला, बिल्कुल जो कढ़ाई है ना, वो टेस्ट है, बहुत अच्छा, मज़ेदार, मसालेदार, चटपटा, बिल्कुल फीका फीका टाइप का नहीं है, जो हमारे ऑथेंटिक जायके होते हैं। लजीज तरीन, 125 साल पुराने घंटाघर चौक की पिछली गलियों में इस तरह चौकियों पर बैठ के ये खाने खाने का जो मज़ा है सज्जाद भाई, उसकी तो बात ही और है। चुरचुर नान है, चुरचुर नान होते हैं ना, इस तरह इंडिया में होते हैं चुरचुर नान, सही। इस तरह ये हमारे क्या है? लवाश। लवाश थोड़ा स्पाइस अगर आपने कम करना है तो आप ये जो रायता चटनी स्टाइल है उसमें लगा लें, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ जो है ना, वो टेस्ट जो है ना, मतलब और भी, मतलब डेवलप होता है, हाँ थोड़ा चेंज हो जाता है टेस्ट। हाँ। लेकिन कढ़ाई का अपना जायका इतना अच्छा है, और ज़रूरत ही नहीं है। ज़बरदस्त भाई, अभी हमारी मछली तैयार हो गई होगी दूसरी वाली, ये फिनिश करते हैं और फिर दोबारा हमारा मछली पे जाते हैं। बेहतरीन भाई, कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन, मज़ा आ गया भाई। कढ़ाई का हिसाब किताब ये होता है कि 70 रुपये की सीख है। अब चाहे आप बारबेक्यू लें, चाहे आप कढ़ाई बनाएं, 70 रुपये की सीख है, जितनी सीखें आपको चाहिए होती हैं उसके हिसाब से कढ़ाई बनवा लें या बारबेक्यू बनवा लें। बेहतरीन था भाई, अब चलते हैं मछली की तरफ। ठीक है, ये देखो भाई, ये ज़बरदस्त मछली का यहाँ पे टेक्सचर ही अलग नज़र आ रहा है। भाई इतनी आला मछली है, लोग यहीं बैठ के खा रहे हैं फुटपाथ के ऊपर, थोड़ा सा इनका आगे भी बैठने का सेटअप है और पार्सल भी आप करा के लेके जा सकते हैं, लेकिन बाबा जी अकेले, इनके दो बेटे हैं माशाल्लाह, वो बना रहे होते हैं और ये अकेले एक ही तवे पे तल रहे होते हैं, तो अगर तवे ज़्यादा हो जाए तो शायद थोड़ा रश कम हो जाए। और सर्दियों में तो यहाँ पे पीक की सर्दी होती है ना, तो यहाँ खड़े की होने की जगह नहीं होती। ये आ गई भाई मछली, ये देखें भाई, ये भी आधा किलो मछली है, नान के साथ ही इन्होंने दिए है, लेकिन ये मछली का टेक्सचर डिफरेंट है बिल्कुल। एक फ्राई मछली होती है जो हर जगह मिलती है, ये तवे पे फ्राई हुई हुई है, लेकिन ये देखने में ही अलग लग रही है। चाइनीज़ न्यूज़पेपर पे रखी हुई पेशावर की स्पेशल मछली है, और ये लोकल माहौल फुटपाथ पे बैठ के दुकानों के शटर के साथ, ये इसकी बात अलग है भाई। मैं तो यही इन्जॉय करता हूँ भाई, सही बात है, जब ट्रैवलिंग पे निकलता हूँ ना, ये गली कूचों के अंदर, पुराने इलाकों में, अंदरून में, ये माहौल फ्रीडम महसूस हो रहा है यार, ये सही बात है। बिस्मिल्लाह करें ना, गर्म हो रही है यार। ये देखो, ये नरम और मुलायम सी मछली है बिल्कुल, हैं बिल्कुल। इसके इसको तवे पे उन्होंने फ्राई किया है, लेकिन इसका टेक्सचर, इसका कलर, सब कुछ बहुत डिफरेंट है। टेस्ट करते हैं भाई बाबा जी की मछली, कोई नाम नहीं है पर ये सबको पता है कि घंटा घर के पीछे जो है ना ये मछली होती है। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। जायका अलग है, दूसरे कहीं से आपको ना कच्ची मिलेगी और नहीं कहीं से आपको जली हुई मिलेगी, ना कच्ची है ना वो जली हुई है, प्रॉपरली कुक्ड है मछली का असल में जायका आ रहा है इसके अंदर, वो मछली का अपना टेस्ट है ना, वो आ रहा है, क्योंकि मसाले इसके अंदर बिल्कुल समझे आपके, सिर्फ शायद बेसन हल्का सा है और इतना कोई मसाला इसके अंदर है ही नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि पिछली वाली मछली जो हमने खाई है ना, वो ज़रा कराची स्टाइल की थी, कुरकुरी, बिल्कुल डीप फ्राइड, तली हुई, मसाला भी इसमें था, और ये मछली जो है वो थोड़ी पेशावर स्टाइल की है, नमक में, हाँ नमक में बनी हुई है और बहुत जायकेदार है, ऐसे ही रशनी है भाई, नो डाउट। और कांटे थोड़े ज़्यादा है मछली में, बाकी जायका मज़ेदार है। We'll be right back.
सलाम वालेकुम, क्या बना रहे हैं? आलू पराठा। आलू पराठा भाई, आलू पराठा कितने का है? 40 है। 40 भाई, ये देख लो भाई, वो घंटा करते हम थोड़ा सा चलते हुए आए तो ये एक आलू पराठे का स्टॉल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद भाई का आलू पराठा जो है ना, वो ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, लेकिन अभी हमारा पेट भरा हुआ है, हम इंशाल्लाह फिर आके खाएंगे। ठीक है जावेद भाई, ओके, थैंक यू। वो वहाँ घंटाघर है, घंटाघर से चलते चलते हम यहाँ पे आए, ये बनी हुई है चौक यादगार, और वो उधर बना हुआ है यादगारी कुल्फा। ये गन्ने का रस भी मिल रहा है भाई यहाँ पे, इस वक्त 11:15 बजे हैं रात के। क्या हाल है? हाँ भाई, क्या है? ठीक ठाक। चलो ये है भाई यादगारी कुल्फा, ये आप देखिए भाई, लोग बैठे हैं यहाँ पे कुल्फे वगैरह खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बखैर अगले भैया, ज़बरदस्त। ये देखो भाई यादगारी कुल्फा 130 रुपये फी कप, चौक यादगार। रश लगा हुआ है भाई, रश लगा हुआ है। ये देखिए आपका फुल बर्फ के कंटेनर रखे हुए हैं, कुल्फियाँ निकल रही हैं, टकाटक काम चल रहा है। भाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कुल्फी का काम चल रहा है। कुल्फियाँ जो है ना, ट्रेडिशनल कुल्फी होती है, वो कुल्फियाँ निकलती हैं, उसके बाद में फालूदा डालते हैं, फिर शीरा डालते हैं। तो ये तीन स्टेप के अंदर सिंपल फालूदा जो है, वो जो क्लासिकल फालूदा होता है वो ये है। और टाइम नहीं है अभी, रात के स्पेयर भी। ये आ गए हमारे फालूदे। एक प्याला कितने का? 130 रुपये का एक प्याला। क्या नाम है आपका? हमीद। हमीद भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये लो, ये देखें भाई, ये फालूदा, इसके ऊपर ये शीरा डालते हैं, और सिंपल ये कुल्फी होती है इसके अंदर, ट्रेडिशनल पेशावरी फालूदा। बिस्मिल्लाह। ओहो, टेस्ट बहुत मज़ेदार है भाई, क्लासिक जिस तरह फालूदा होता है उसी तरह का टेस्ट है जो हम खाते हुए आ रहे हैं बचपन से। बहुत ज़ायकेदार, खोए वाला, मलाई वाला, ये ज़बरदस्त सी कुल्फी और फालूदा शीरा। चले जी, तो इसी मज़ेदार से फालूदे के साथ हमारी आज की इस ज़बरदस्त सी पेशावर की वीडियो का अख्तितम हुआ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मज़ेदार वीडियोज़ आती रहती हैं। और आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।